कल शाम से है ना बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत हल्का सा मुंह भी खोलते ना बहुत ज्यादा पेन हो रही है बहुत। एक दिन हमारा भी होगा, एक दिन सबका आएगा। क्या है बोलो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू सिनोतरम ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज सुबह सुबह मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ब्लॉगिंग, तो ब्लॉगिंग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 9 बजे से। तो मौसम बिल्कुल खराब है आज सुबह सुबह, हल्की बूंदाबांदी हुई यहाँ पे। और आज सुबह ब्लॉगिंग मैं इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि सीनू है थोड़ी सी सोई हुई, बेड रेस्ट पे है क्योंकि सीनू हो चुकी है बीमार। तो आज मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि सीनू कितनी ज़्यादा बीमार है। तो ले चलता हूँ आपको रूम में मैं, तो जहाँ पे सीनू सो रखी है। तो यहाँ पे सीनू सो रखी है, लगभग कल थोड़ी सी हल्की सी बीमार थी, आज रात को कुछ ज़्यादा ही बीमार हो चुकी है। इसका नेक थ्रॉट जो होता है, गला का थ्रॉट होता है, उसमें ज़्यादा पेन हो रहा है और कोल्ड फ्लू उसको ज़्यादा हो चुका है। मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइस मैं रूम में आ चुका हूँ, तो सीनू बिल्कुल सो रखी है। यस पापा, ओके आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शिवा ने भी आना अंदर। तो यहाँ पे सीनू सो रखी है। तो सीनू क्या हो रखा है ना, कल शाम से ना बहुत ज़्यादा उसके गले में दर्द हो रहा है और थोड़ा सा कोल्ड भी हो रखा है। जुकाम तो वो सहन कर लेती है, बट जो उसका गले का दर्द होता है ना, उसे बिल्कुल सहन नहीं होता क्योंकि बहुत दर्द होती है उसको। मैं आपको दिखाता हूँ ना। तो यहाँ देखो सीनू सो रखी है बिल्कुल। इसको ठंड लग रही है आपको? ऐसे लग रही, बीच बीच में ठंड, बीच बीच में गर्मी, ऐसे तो लग क्या हो रहा। रखा है आपको, बताओ जरा। गले में बहुत दर्द हो रही है, वैसे तो परसों से है लेकिन वो चलो हल्की थी, जुकाम वाली थी, जो कल शाम से है ना बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत हल्का सा मुंह भी खोलते ना बहुत ज्यादा पेन हो रही है बहुत। तो मतलब ये ये आजकल इन्फेक्शन, मौसम चेंज हो रहा है ना, इसलिए शायद। हाँ मेरे को ऐसा लग रहा है इन्फेक्शन वाले दर्द हो रही है गले में बहुत ज्यादा। एक बार पहले भी हुआ था, बहुत पहले, तो ऐसी सीनू वाली को हो रहा दर्द। है बहुत ज़्यादा पेन ना, तो इसलिए मेरे को जाना पड़ रहा है ननखरी। अब तो ननखरी जाऊंगा तो सीनू के लिए के मेडिसिन लेके आऊंगा, ताकि सीनू जल्दी ठीक हो जाए और फिर से हम दोनों दोनों ब्लॉगिंग स्टार्ट करें। तो आज इस ब्लॉगिंग को अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं अभी अपने आंगन में आ चुका हूँ, तो बाहर आ चुका हूँ क्योंकि मौसम थोड़ा सा खुल चुका है। सुबह लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी, तो अभी मौसम थोड़ा सा खुल गया है, तो जिसके कारण अब थोड़ी सी दिक्कत नहीं होगी। पहले से मुझे लग रहा था कि ननकरी जाऊँ कैसे जाऊँ क्योंकि मौसम हो गया थोड़ा सा ख़राब, तो अभी मौसम खुल चुका है तो अब जाने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो सुबह सुबह का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ, सुबह सुबह किस तरह का मौसम रहता है यहाँ पर, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये हमारा सुबह का नज़ारा रहता है, इस तरह का क्लाउड्स है चारों तरफ और यहाँ पे सन क्लाउड्स के पीछे, और कितना सुंदर ये क्लाउड्स दिख रहे हैं सुबह सुबह। ये देख सकते हैं सुबह तो बिल्कुल काला हो गया था, जैसे कि बादल दिख रहे हैं ना, बिल्कुल काला मौसम हो चुका था सुबह सुबह, तो अभी थोड़ा सा साफ हो चुका है। तो ये देख सकते हैं ये चारों तरफ पेड़, सेब के पेड़ हैं ये सारे, तो यहाँ से हार्वेस्ट हो चुका है सारे का ऑलमोस्ट। यहाँ पे तो हमारे गांव में तो ऑलमोस्ट पूरा हार्वेस्ट हो चुका है, तो पूरा हार्वेस्ट हो चुका है हमारे गांव में। तो पुनर में मेरा रह चुका है थोड़ा सा, वो आज हार्वेस्ट हमने पिछले कल कर दिया है, तो आज वो भरने के लिए मैं वहाँ भी देखूँगा। आज हमारा नंबर आएगा पुनर में सेब भरने के लिए, तो वो भी आज करना है। तो अब हम जा रहे हैं ननखरी। तो अभी अभी मैं भी उठी हूँ, तो वैसे मन तो बिल्कुल नहीं था अभी उठने का, बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि खड़े उठना ही नहीं है, पर मैं बस उठ जाती हूँ क्योंकि सो सो के भी ना कमर में ऐसी दर्द हो गई है, ज़्यादा सोया भी नहीं जाता, तो मैं बाहर बैठती हूँ थोड़ी देर, थोड़ी सी फ्रेश भी हो जाऊँगी, थोड़ी सी फ्रेश हवा खाती हूँ। तो अभी मुझे घर में तो कोई भी नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि तरुण गए हैं ननखरी, और जो मुझे भी सुनने में आया है कि आज लंच भी अमन ने बनाया है और बाकी घर में है नहीं, आज मम्मी रहते गए हैं। हाँ जहाँ पे डेथ हुई है, अभी मुझे पता चला कि डेथ हुई है सामने वाले पड़ोस में गांव में, तो वहाँ पे चले गए हैं।
जब कभी ये सुनने को आता है ना कि कहीं डेथ हो गई है या कुछ, तो मतलब मन इतना बैठ जाता है ना, उफ इतना फिर अजीब सा, फिर ना कुछ उस दिन तो ऐसा लगता है मुझे, जब मैं कभी ये सोचती हूँ कि वहाँ डेथ हुई वहाँ डेथ हुई, उस दिन ऐसा हो जाता है ना, कुछ करने का मन होता है ना, मतलब अपना ही ऐसे हो जाता है, कुछ अजीब सी हो जाता है कि यार एक दिन हमारा भी होगा, एक दिन सबका आएगा, क्या है बोलो। तो उस टाइम पे लोग भी यही बोलते हैं कि यार हम काहे को झगड़ना है, काहे को लड़ना है किसी के साथ, क्या कुछ, लेकिन ये भी एक सच्चाई है, जब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है फिर वो ही रूटीन बन जाता है सबका, तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा उठ जाती हूँ, और शिवा भी सोया होगा अभी, उसको भी देख लेती हूँ। तो गाइस अभी मैं बैठी हूँ बाहर बरंडे में, और मौसम देखो कितना क्लियर अच्छा सा है। मतलब ऐसे हो रहा है ना, मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि बोला ही नहीं जा रहा यार, क्या बोलूँ क्या नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है और बोला भी नहीं जा रहा है। पता नहीं आवाज़ भी आ रही है इस फ़ोन में मेरी कि नहीं आ रही, कि मैं ऐसे ही लगी हूँ गूंगी की तरह। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा गर्म पानी कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी गले को राहत मिल जाए। देखो हमारे ना वॉशरूम की लाइट हो गई है ख़राब, तो अमन करे इसको ठीक। तो इसके अंदर देखो किस तरह की लाइट होती है, इसके क्या बोलते हैं इसको, LED के अंदर। भाई जो मेरी शक्ल हुई है ना आज, क्या है बताओ, गर्म पानी भी कितनी राहत मिल रही है ना गले को। तो अभी तरुण भी आ गया घर गाइस, और हमारा लंच भी हो गया है, और जो मैं आपको बता रही थी ना कि हमारे वॉशरूम में हो गई है लाइट खराब, तो ये देखो अमन इसको भी लगा रहे हैं, वो तो शायद बनी नहीं है, पर तरुण ने अभी ननखरी से लाए थे उन्होंने दो लाइटें, तो वो बस लगा रहे हैं, और अमन ना ये सब काम चुटकियों में कर देते हैं, ठीक है जो भी ये थोड़ा बहुत काम होता है ना खुद से ही अच्छे से कर देते हैं। को मेडिसिन भी ला ली मैंने। शुक्रिया। ओहो ये देखो जी ठीक हो गई हमारी लाइट, और कल शाम को ये खराब हो गई थी ना, तब से जैसे शाम को आना हो तो वॉशरूम तो अंधेरा ही था फिर, तो अमन ने अभी ठीक कर दी है अच्छे से। तो अभी मैं आ गई हूँ फिर से रूम गाइस, क्योंकि तरुण ने मेडिसिन ला ली है, अब मैं इनको खा लूँगी और थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, बस होप करती हूँ कि कल के लिए, शाम को तो मुझे नहीं लगता, लेकिन कल के लिए सुबह के लिए मैं अच्छे से फ्रेश हो जाऊँ, तो इसलिए आज मेरा रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो साथ ही साथ वीडियो को भी करती हूँ यहीं पर एंड गाइस, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आज मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाई क्योंकि आपको पता है मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक थी, होप करती हूँ कल के लिए मैं ठीक हो जाऊँ, आपको आपके लिए अच्छी सी वीडियो बनाऊँ। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे चैनल को, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।